इकबाल बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाए जा रहा है? अरे छोड़ो, मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी। सर, आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। अब जो हो गया उसे भूल जा, ठीक है, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नहीं आवड़ा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना, जो हुआ मैं तो भूल भी गया। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं, चढ़ गई के तने। मैं ड्रामा नहीं करेगा, आपके रिवॉल्वर में एक गोली जास्ती है। इसमें? हाँ, इसी में, दिखाओ। एक और दो और तीन और चार और पांच, पांच और एक छह हो गई, तो एक गोली जास्ती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें छह गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है, वही गोली इसमें जास्ती है। आपको मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है, इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये है, ये खून ही है मेरा ब्रांड। शेखावत सर, भूतनी के अब सड़े ले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए, मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा ना।